हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल टेक टिप नाउ आज के सेशन में फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं मॉक टेस्ट जो कि क्यूट के लिए है स्पेशली कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज हम ये सेशन लेके आए हैं इस मॉक टेस्ट में बेसिकली हम दो सेक्शंस को डिस्कस करेंगे सेक्शन ए एंड सेक्शन बी तो आप जानते ही हैं सेक्शन ए एंड बी का मतलब जो बच्चे कंप्यूटर साइंस को यूज करके क्यूट का एग्जाम देना चाहते हैं तो ये उनके लिए स्पेशली मैंने वीडियो तैयार किया है इसके प्रीवियस सेशन में मैंने सेक्शन ए एंड बी टू जो कि आईपी के स्टूडेंट्स को देना है उनके लिए ऑलरेडी मैंने मॉक टेस्ट का वीडियो अपलोड कर दिया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से जाके आप देख सकते हैं नाव आज के सेशन में जैसा मैंने आपसे कहा कि हम कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए बात कर रहे हैं क्यूट की जो तैयारी कर रहे हैं मॉक टेस्ट है उसके लिए इसमें अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं तो सेक्शन ए के जो पंद्रह क्वेश्चन हैं एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन ये जो पंद्रह क्वेश्चन है ये ऑलरेडी मैंने इसके प्रीवियस जो मॉक टेस्ट वाला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आईपी के बच्चों के लिए तैयार किया था सेक्शन ए प्लस बी टू उसमें ऑलरेडी ये सेम पंद्रह क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं तो यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपसे कहा कि उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस मॉक टेस्ट का वीडियो का ऊपर आई बटन पे भी आपको लिंक दिख रहा होगा वहां से जाके भी आप देख सकते हैं तो मैं क्या कर रहा हूं आज सीधे जो सेक्शन नंबर बी वन है जहां पर स्पेशली कंप्यूटर साइंस के जो बच्चों को अटेम्प्ट करना है या स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करना है उनके लिए ये सारे क्वेश्चन हैं यहां पर एक बात फिर से मैं बताना चाहूंगा कि आईपी के स्टूडेंट्स को सेक्शन बी वन को अटेम्प्ट नहीं करना है तो अगर वो देख रहे हैं तो वो आप उस वीडियो को छोड़ के इसके प्रीवियस का जो मॉक टेस्ट वाला वीडियो है सेट ए उसको आप देख लेंगे चलिए फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं यहां पर सेक्शन बी वन में जो पहला क्वेश्चन है दैट इज इन सर्चिंग द हैश फंक्शन टेक्स एन एलिमेंट फ्रॉम ए लिस्ट एंड डिवाइड इज नोन एज बॉट देखिए जब आप सर्चिंग करते हैं तो उसमें डिफरेंट मैकेनिज्म होती हैं वी ऑल नो दैट बाइनरी सर्च इज देयर सिमिलरली वहां पर लीनियर सर्च होता है उसी तरह से हमारे पास एक और मैकेनिज्म होता है दैट इज कॉल्ड हैशिंग और जब आप हैशिंग की बात करते हैं तो वहां पर हम एक्चुअली सर्च करते हैं या लोकेट करते हैं इंडेक्सेस का प्रयोग करके मतलब हैशिंग में हम इंडेक्स का मैन्युपुलेशन करते हैं ना कि वैल्यूज का तो यहां पर जब आप इंडेक्सेस को डिवाइड करते हैं तो इस मेथड को हम हैश मेथड के नाम से ही जानते हैं इस बात को आप ध्यान रखेंगे नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज पाइथन विच मेमोरी इज यूज्ड टू सेव द बाइनरी फाइल्स सो क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड के बी बिट बाइट और नेबल तो आंसर इसका जो है वो बाइट ही होगा कोई भी फाइल हो चाहे वो टेक्स फाइल हो चाहे बाइनरी फाइल हो सब में डेटा जो है वो बाइट के फॉर्म में ही स्टोर होता है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सेडर द फॉलोइंग कोड स्टेटमेंट थ्री हैज एन एरर अब यहां पर आप देखिए ये सेट ऑफ कोड लिखा हुआ है इसमें जो थर्ड नंबर की लाइन है दैट इज स्टेटमेंट नंबर थ्री इसमें एरर है हियर इट इज सेइंग दैट दैट ओपन एम डेटा डॉट कॉमा आरबी इसके ऊपर में इसने एक लिस्ट बनाई है एम डेटा के नाम से जिसमें कुछ वैल्यूज हैं यहां पर इसने पिकल को इंपोर्ट किया है मतलब ये बाइनरी फाइल का ऑपरेशन है दूसरी बात यहां पर आप ध्यान देंगे लास्ट स्टेटमेंट में यहां पे लिखा है पिकल डॉट डंप एक्चुअली इट शुड बी डम्प और इसमें दिया है एम डेटा कॉमा फॉट अब यहां पर जो डम्प मेथड है बेसिकली हम जानते हैं डंप का मतलब होता है डेटा को राइट करना और जब डेटा को राइट करना है तो बाइनरी में यहां पर आरबी का मतलब होता है डेटा को रीड करना तो इस केस में ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है तो एक्चुअली यहां पर होना चाहिए था चूंकि ये बाइनरी फाइल है सो दैट वी वी शुड यूज दिस दिस तो बेस्ड ऑन कैन से ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट हियर मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर यह बोलता है सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पहला बोलता है कि जो बाइनरी सर्च है उसमें जो डेटा होते हैं इट शुड बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल सही बात है होना चाहिए दूसरा बाइनरी सर्च डेटा में बी अरेज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बाइनरी सर्च में डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज किया जा सकता है लीनियर सर्च में बोलता है कि डेटा को अरेंज किया जा सकता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में और चौथा बोलता है बाइनरी सर्च में डेटा को असेंडिंग or order या डिसेंडिंग ऑर्डर या ऑर्डर्ड होना चाहिए तभी ये सर्च होता है बाइनरी सर्च में डेटा को किया जा सकता है ये जो ऑप्शन है थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि लीनियर सर्च जो होता है वो अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड दोनों के लिए ही सही होता है मतलब यदि डेटा अरेंज हो तो भी ठीक है और अगर अरेंज नहीं है मतलब दोनों ही सिचुएशन में लीनियर सर्च प्रयोग किया जा सकता है तो यहां पर अरेंज किया जा सकता है लीनियर सर्च में बिल्कुल सही स्टेटमेंट है लीनियर सर्च इज मोर टाइम कंज्यूमिंग देन बाइनरी सर्च इज एब्सोल्युटली करेक्ट यहां पर यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि लीनियर सर्च जो होता है वो ज्यादातर सुटेबल होता है स्मॉल साइज ऑफ डेटा के लिए तो एज कंपेयर टू बाइनरी सर्च इसमें टाइम ज्यादा लगता है तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है कि भाई बाइनरी सर्च में डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज किया जा सकता है इज नॉट करेक्ट एक्चुअली एज पर माई कॉन्सर्न अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं हियर इट इज सेइंग दैट कंसीडर द फॉलोइंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ऑफ स्टैक नाउ द रिक्वायर्ड आउटपुट इज फोर देखिए यहां पर है फाइव फोर सेवन प्लस नाइन देन सो एंड सो इसका मैंने ऑलरेडी जो स्टैक का प्रीवियस लेक्चर बनाया था उसमें एक्सप्लेन किया था आपको डिटेल में कि किस तरह से इनको एग्जीक्यूट करना है इनका इवेल्युएशन कैसे होगा तो यदि आप उसको देखना चाहते हैं आई बटन पे लिंक दिख रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा देखिए इसको जब आप इवैल्यूएट करेंगे सबसे पहले फाइव है मैंने फाइव डाला स्टैक में उसके बाद फोर डाला फिर मैंने सेवन डाला उसके बाद जैसे ही आप प्लस ऑपरेटर लोगे तो नेक्स्ट स्टेज में ये क्या करेगा ये जो प्रीवियस टू है इनको ये यहाँ से पॉप करेगा फिर एड करेगा और फिर से पुश कर देगा एडिशन वाले रिजल्ट को सो तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आएगा दिस विल बी लाइक फाइव देन इट विल बी इलेवन इसके बाद फर्दर ये नाइन को यहाँ पर क्या कर देगा पुश करेगा इसके बाद अब चूंकि हमें फोर चाहिए आउटपुट में तो अगर आप डिवाइड करोगे तो इलेवन नाइन बाई इलेवन सही नहीं रहेगा लेकिन अगर आप प्लस करोगे पहला तो ये क्या हो जाएगा ट्वेंटी हो जाएगा तो अगर मैं डिवाइडेड फाइव बाई फाइव और उसका मतलब यहां पर आंसर आपको क्या मिल जाएगा फोर सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ऑप्शन टू इज करेक्ट आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ यहां पर यह बोलता है द फॉलोइंग रियल लाइफ एप्लीकेशन एग्जाम्पल है जिसमें पहला बोलता है कि टेन प्लेट्स है वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से टावर के फॉर्म में है तो इसका मतलब जो लास्ट में आएगा, उसको ही आप सबसे पहले निकालोगे तो ये तो हुआ एग्जाम्पल मेरे स्टेक का दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट और दूसरा बोलता है कि टेन कस्टमर्स है वो लाइन में खड़े हैं तो जो कस्टमर सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले रिस्पॉन्स मिलेगा

देखिए जब आप एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं तो वहां पर फाइनली क्लॉज की बात की जाती है तो आप जब ट्राई लेते हैं देन एक्सेप्ट लेते हैं देन आप चाहें तो इसमें फाइनली भी इंक्लूड कर सकते हैं नाव पहला बोलता है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में फाइनली जो है वो ऑप्शनल है तो बिल्कुल सही बात है ये करेक्ट है वी मे मैंशन द टाइप ऑफ एक्सेप्शन इन फाइनली जो कि गलत है हम टाइप मैंशन करते हैं यहाँ एक्सेप्ट में जो एक्सेप्शन हैंडल होता है फाइनली क्लॉज जो होता है

फाइनली में जो भी आप स्टेटमेंट इस लिखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू दैट इज एंड डी बोथ आर करेक्ट हियर इन केस ऑफ दिस फाइनली स्टेटमेंट आई मूव टू द नेक्स्ट आपकी जानकारी के लिए मैं बता दू की मैंने वन थाउजेंड एमसी क्यू प्लस का बुक e भी पब्लिश किया हुआ है यदि आप उसे परचेस करना चाहें एट दी कॉस्ट ऑफ वन सेवेंटी नाइन रुपीज तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सैंपल पेपर के क्वेश्चन मॉक टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सीबीएसई ने जितने डिफरेंट क्वेश्चन अलग अलग सालों में बोर्ड एग्जाम में डाले हैं उन सबको भी इंक्लूड करके प्लस एक्स्ट्रा बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन डाले हुए हैं जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे आपके इस एग्जाम की तैयारी में तो आप उसे भी परचेस कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं अगला हमारा क्वेश्चन है डी क्यू कैन सपोर्ट बोथ स्टैक एंड क्यू यहाँ पर ये यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट देखिए डी का मतलब क्या है हम रिमूव करने की बात कर रहे हैं किसको किसी डेटा को या एलिमेंट को चाहे वो स्टैक हो चाहे क्यू हो तो ये एसर्शन सही है ना डी क्यू सपोर्ट इंसर्शन एंड डिलीशन एट बोथ एंड्स ये यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है उसका रीजन ये है देखिए अगर ये यह यहाँ पर होता डेक डी ई क्यू यू ई अगर ये डेक होता तब हम ये कह सकते थे कि ये दोनों एंड से क्या कर सकता है डेटा को डिलीट कर सकता है लेकिन DQ जो है यदि आप स्टैक की बात करें सॉरी मतलब से, से, से ही जानते हैं केस so, में एक ही एंड से क्या होता है डेटा डिलीट होता है तो यहां पर एसर्शन करेक्ट तो लेकिन रीजन जो दिया है वो पूरी तरह से गलत दिया है दैट इज ऑप्शन थ्री मूव टू द नेक्स्ट बोलता है कि फिर फाइल रीजन in की मैं बात कर रहा हूं एंड ऑफ लाइन बिल्कुल सही स्टेटमेंट है लेकिन ये इसका जस्टिफिकेशन नहीं हुआ तो मेरे हिसाब से बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए कमेंट मंच खुला हुआ है कमेंट आप करके डिस्कस कर सकते हैं अगर कोई आपको डाउट हो तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर से दो स्टेटमेंट है इन स्टैक पुश ऑपरेशन में एन एक्सेप्शन कॉल्ड अंडरफ्लो। और स्टेटमेंट टू में बोलता है कि पॉप जो होता है ये रेस करता है एक्सेप्शन ओवरफ्लो एक्चुअली ये दोनों को ही अपोजिट कर दिया है पुश में एक्चुअली क्या होता है ओवरफ्लो होता है और पॉप में क्या होता है आपका अंडरफ्लो होता है सो वी कैन से दैट बोथ आर इनकरेक्ट हियर सो ऑप्शन टू इज करेक्ट मूव टू द नेक्स्ट यहां पर यह बोलता है कि स्टेटमेंट वन फिर से दो स्टेटमेंट है बबल शॉर्ट जो है उसमें एन माइनस वन पास की रिक्वायरमेंट होती है यदि एलिमेंट्स हैं बिल्कुल सही है और सेलेक्शन शॉर्ट में भी यहाँ पर लिखा है एन टू पास जो कि गलत है यहां पर भी एन माइनस वन पास की ही जरूरत पड़ती है यदि एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तो इसका मतलब स्टेटमेंट वन यहाँ पे करेक्ट है और स्टेटमेंट टू जो है वो इनकरेक्ट है सो दैट वी कैन से थर्ड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट हियर Next is saying that consider the marks of a student in five subjects. Here are the subjects. We have to find the average. I don't know why this question has been given here. But anyway, we try to solve this. So if I add to it, it should be 400 and there are five numbers. So we can divide it by five. So we will get 80. So we can say correct answer is option one. I move to the next. In DQ, if insertion and deletion of elements are from the opposite एंड देन इट विल बी ट्रीटेड एज वॉट देखिए ये मेरा कोई सपोज डेटा स्ट्रक्चर है आपने यहाँ से डाटा डाला फोर थ्री चूंकि फोर पहले डाला फिर टू डाला फिर वन डाला फिर सिक्स डाला तो यहाँ पर डेटा एक एंड से एंटर हो रहा है और एक एंड से डिलीट हो रहा है सो so, ये बेसिकली सिचुएशन होती है हमारे किसकी हमारे क्यू की स्टैक में क्या होता है डेटा एक ही एंड से एंटर किया जाता है और उसी से डिलीट किया जाता है लेकिन क्यू में जब डेटा एंट्री होती है तो उसे हम रियर एंड बोलते हैं और जब डेटा डिलीट किया जाता है तो उसे हम फ्रंट एंड बोलते हैं तो दो सेपरेट एंड से यहां पर हो रहे हैं आप देख सकते हैं तो ये एक नॉर्मल क्यू का एग्जाम्पल है अगर डिलीशन और इंसर्शन दो अलग अलग एंड से होते हैं आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ यहां पर ये यह बोलता है विथ रेफरेंस टू फाइल प्रिंटर विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट और करेक्ट ठीक है ना सो so देखिए यहां पे बोलता है कि फाइल पॉइंटर इज एट बिगिनिंग वेन वी ओपन फाइल एंड राइट मोड राइट प्लस और आर मोड तो देखिए इन तीनों मोड में ही जो फाइल का पॉइंटर होता है वो बिगनिंग में होता है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है फाइल पॉइंटर्स कैन बी शिफ्टेड यूजिंग स्टीक फंक्शन ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन सो ये जो अगर आप थियोरेटिकली देखें तो फाइल पॉइंटर जो होता है ना वो दोनों एंड से ही कर सकता है बट प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल सही बात है कि एक ही एंड पे ये क्या करता है आपके पॉइंटर्स को शिफ्ट करने का कार्य करता है

एटसेट्रा तो देखिए जब आर करेंगे आर प्लस करेंगे तो बिगनिंग में ही होता है लेकिन जब आप डब्लू करेंगे तो डेफिनेटली जो फाइल का पॉइंटर है वो बिगनिंग में ही होता है हाँ एपेंड की अगर आप बात करें तो वहां पर वो एंड पे होता है तो चूंकि ये मिलीजुली सरकार यहाँ पे दिख रही है तो ये स्टेटमेंट को भी हमें रॉन्ग करना होगा तो बेस्ड ऑन दिस कैन से बोथ थ्री ऑप्शंस ए बी सी आर करेक्ट हियर आई मूव टू द नेक्स्ट यहाँ पर यह बोलता है डी बी का क्वेश्चन है ये यह यहाँ पर इसका केस स्टडी दिया है आप इसको पढ़ लेंगे मैं सीधे बोलता हूं कि द सेलेक्ट डेटा बेस कमांड बिलोंग्स टू विच कैटेगरी देखिए सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है डेटा मैनिपुलेशन क्योंकि आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे डेटा को डिजाइन या डेटा डिजाइन करने की बात नहीं हो रही है अगला क्वेश्चन है द डेटा टाइप फॉर ए कॉलम दैट विल स्टोर सैलरी कैन गे सो वी कैन से बोथ ए बी आई मीन ऑप्शन नंबर टू ए बी एंड सी अगला क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे काफी छोटा दिख रहा होगा मैं थोड़ा बड़ा करने का प्रयास करता हूं यहाँ पर यह बोलता है कि जो है टेबल जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें एक और कॉलम को ऐड करना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑल्टर कमांड का तो ये इसका करेक्ट आंसर है हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मैं थोड़ा इसे रिड्यूस कर दूं यहां पर ये बोलता है कि द डेटा टाइप ज नॉट रिक्वायर ए साइज विथ टू बी स्पेसिफाइड तो देखिये डेमल वेयर कैर और कैर यह तीनों में तो साइज लगता है डेट में आपको साइज मेंशन करने की जरूरत नहीं तो आंसर होगा फोर नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग क्वेरी सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉज वे नेम लाइक ऑफ एना और सैलरी इज ग्रेटर देन टेन थाउजेंड तो इसका मतलब क्या है इट विल डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉज हुआ एंड एक्चुअली इट शुड पर न और सैलरीउेंड रुपीज तो सही है सेकेंड ऑप्शन देखते हैं तो ये गलत है यहाँ पे सिमिलरली इट विल डिस्प्लेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हुम एग्जैक्टली वन ए और सैलरी इज दिस तो ये भी यहाँ पे सही नहीं है सिमिलरलीज नेम इज ऑफ टू कैरेक्टर्स ऑनली I don't think ये भी पर एप्लीकेबल होगा सो द ऑप्शन मास्टर टेबल बना हुआ है अब इसकी बेसिस पे यहां पर बोलता है select name from master, where name like S%, जिनका नाम S से शुरू होता है, उनको डिस्प्ले करो तो यहां पर देखिए सुष्मिता है और शायरा है ठीक है ना? तो ये दोनों को यहाँ पर डिस्प्ले करेगा सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन वन आई मूव टू द नेक्स्ट सेम टेबल है यहां पर ये यह बोलता है टू गिव द सेम आउटपुट तो देखो यहाँ पे बोलता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मास्टर ये सभी में में है है वेयर भी सब डिपार्टमेंट सब में है सब में है लेकिन यहाँ पर बोलता डिपार्टमेंट एडमिन होगा या सेल्स होगा ठीक है फिर एडमिन एंड सेल्स गलत है क्योंकि दोनों एक साथ आप कैसे कंबाइन करोगे एक ही कॉलम से ना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मास्टर वेयर डिपार्टमेंट एडमिन भी नहीं मैच करेगा लेकिन यहाँ जो इन ऑपरेटर है ये बिल्कुल मैच करेगा हमारे ऑप्शन ए से तो यहां पर ए और डी दोनों ही यहां पर करेक्ट आंसर होंगे मूव टू द नेक्स्ट यहां पर यह बोलता है सेम यही टेबल है यहां पर नमिता जो है वो सारी ही वैल्यूज को टेबल से डिलीट करना चाहती है लेकिन स्ट्रक्चर को वो डिलीट नहीं करना चाहती है तो देखिए दो कमांड होते हैं एक होता है ड्रॉप मैं फिर से लिख देता हूं एक होता है ड्रॉप जिसका मतलब पूरा का पूरा टेबल डिजाइन और डेटा दोनों डिलीट कर दो और जब आप डिलीट कमांड इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब केवल डाटा को डिलीट करना अब यहां पे लिखा है ड्रॉप टेबल नहीं होगा डिलीट टेबल मास्टर गलत स्टेटमेंट है ऑल्टर टेबल भी नहीं होगा डिलीट ऑल फ्रॉम मास्टर जो लिखा हुआ है ये अगर आप एसपीएल में देखोगे तो आई थिंक ये एरर देगा एक्चुअली इट शुड बी राइट डिलीट फ्रॉम यू कैन से वॉट मास्टर ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा तो इस बेसिस पे अगर देखें तो अगर आप इसको टाइपिंग एरर बोलेंगे तो ऑप्शन थ्री को यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे बट फॉर माई साइड डिलीट फ्रॉम मास्टर इज द करेक्ट आंसर

डेटाबेस इंजन के नाम से जानते हैं ये ध्यान रखेंगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं सेम टेबल के ऊपर है यहां पर बोलता है कि नमिता जो है वो कॉलम एज कॉलम शुड नॉट एक्सेप्ट द वैल्यू लेस देन ट्वेंटी वन मतलब वो चाहती है कि ये जो एज का कॉलम है उसमें एक रेस्ट्रिक्शन डालना है कि मिनिमम जो है ट्वेंटी वन तो आपको डालना ही डालना उससे कम में एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए तो वहां पर देखिए हम इस्तेमाल करते हैं चेक कॉन्स्टेंट का वेयर जो होता है फिल्टर के लिए होता है हैविंग भी फिल्टर के लिए होता है डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यू के लिए अब चेक बिल्कुल सही है माई एसक में एक चीज याद रखेगा कि चेक जो होता है वो इफेक्टिव नहीं होता है हालांकि आप इसको यूज कर सकते हैं लेकिन ये इफेक्टिव नहीं होता है फिर से मैं बोलूंगा बट थियोरिटिकली चेक कॉन्स्टेंट का इस्तेमाल करते हैं अगर आपको डेटा के ऊपर रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करनी है आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है मॉड का सही डेफिनेशन क्या है यदि आप लिखते हो सेलेक्ट मॉडल तो चार से आप इसको डिवाइड वॉट वुड बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू दैट कैन बी एंटर्ड इन फाइव कॉलम्स वेयर फाइव कॉलम इज डिफाइंड एज फ्लोट फोर कॉमा टू तो देखिए फ्लोट फोर कॉमा टू का मतलब मैक्सिमम फोर डिजिट्स ठीक है ना जिसमें डेसिमल के पहले दो ले सकते हो डेसिमल के बाद में आप क्या ले सकते हो दो ले सकते हो इसका मतलब ऑप्शन टू यहां पर सही होगा 99.99 .99 को आप यहां पे एंटर कर सकते हैं आई मूव टू द द नेक्स्ट व्हाट इज इज फुल फॉर्म ऑफ सो दैट बेसिकली ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन आई मूव टू द नेक्स्ट वॉट इज हब इट इज ए सॉफ्टवेयर नहीं कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं कैलकुलेटिंग डिवाइस नहीं आंसर होगा नेटवर्किंग डिवाइस ऑड वन कौन सा है बस रिंग स्विच और मेश तो देखिये बस रिंग और मेश तीनों टोपोलॉजी है स्विच एक डिवाइस है करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री अगला क्वेश्चन है डैश इज द लोकेशन ऑफ द रिसोर्स तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वेबसाइट का एड्रेस दैट इज वन इज द करेक्ट हियर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस रिफ्लेक्शन टू डायरेक्ट द लाइट थ्रू मीडिया तो मीडिया मतलब कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम जिसमें लाइट का प्रयोग होता है वी ऑल नो दैट

दो स्टेटमेंट है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन दैट इज बी ओ एल टी ई इज स्टैंडर्ड फॉर हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन फॉर मोबाइल फोन बिल्कुल सही बात है आप ये जो 4G, 5G यूज कर रहे हैं उसमें यही है ना वाइब दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इज अ कम्युनिकेशन मेथोडोलॉजी डिजाइन टू डिलीवर ऑनली वॉइस तो वॉइस कम्युनिकेशन होता है क्या केवल वाइप से तो बिल्कुल गलत है क्योंकि आप वॉइस के साथ मतलब यहां पे वीडियो भी तो कर सकते हैं जैसे कि आपका व्हाट्सएप व्हाट्सएप में आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो ऑडियो भी कर सकते हो टेक्स्ट भी कर सकते हो तो यहां पर स्टेटमेंट वन जो है दैट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है सो वी कैन से ऑप्शन थ्री इज करेक्ट हियर सो ये था ओवरऑल मॉक टेस्ट के पैंतीस क्वेश्चन जो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए हैं सेक्शन बी वन अभी हमने देखा सेक्शन ए जैसे मैंने आपसे कहा यदि आप उसके पंद्रह क्वेश्चन देखना चाहते हैं इसके प्रीवियस वीडियो जो मॉक टेस्ट का सेटे बनाया था उसमें मैंने बताया है लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है मैं है वहां से जाके आप देख सकते हैं आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन भी डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नए चैप्टर नए सॉल्यूशन नए कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में बट उससे पहले यदि आपने चैनल को मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिए शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ जो वाकई में इसकी पढ़ाई कर रहे हैं बाकी की जानकारी बाकी सभी वीडियो के लिंक्स मटेरियल के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं बाय बाय एंड टेक केयर यदि आप भी क्यूट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने सी एस एन आई पी को अपना डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है और आप इसके लिए सिलेबस एमसीक्यू मॉक टेस्ट एंड नोट्स को सर्च कर रहे हैं तो ये सभी मटेरियल आपको एक साथ एक ही वेबसाइट ट इज डब्ल्यू 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 डॉटिप नाउ डॉट इन पर अवेलेबल हो जाएगा जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और हाँ मैंने क्यूट फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस की 1000 MCQ की ई बुक को भी रिसेंटली पब्लिश कर दिया है इसे आप वन सेवेंटी नाइन रुपीज पे करके परचेस करके डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए वापस से आपको मेरी वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट टेक टिप नाव डॉट इन पे आना होगा और वहां से इसे डाउनलोड करना होगा मैं एक बार आपको इसे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं आप सबसे पहले यहां पर टाइप करें टेक टिप नाव डॉट इन जैसे ही आप टेक टिप नाव डॉट इन को ओपन करेंगे इसका जो फ्रंट पेज है या होम पेज है इसमें ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको डाउनलोड ई बुक का ऑप्शन मिल जाएगा आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टा मोजो के स्टोर पे यहां से जाके आप इसे परचेस कर सकते हैं जो कि पूरी तरह से सेफ है जैसे ही आप इसे परचेस करेंगे ये आपके ईमेल एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगी इसके अलावा मैं बात कर रहा था यदि आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो भी आप मेरे टेक्टिव नाउ डॉट इन के होम पेज पर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सिलेबस एमसीक्यू टेस्ट और नोट्स की लिंक मिल जाएगी जिसे क्लिक करके आप रीडायरेक्ट हो सकते हैं उस रिस्पेक्टिव टॉपिक्स पे और साथ ही साथ इस वेबसाइट के टॉप में मेन्यू में भी मैंने क्यूट का एक सेपरेट मेन्यू बनाया हुआ है वहां से जाकर भी आप डिफरेंट लिंक्स पे क्लिक करके रिस्पेक्टिव टॉपिक को और मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं